अगर मंदिरों से काम पूरे होते भैया, तो पुजारी अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजता पढ़ने के लिए? मंदिरों से अगर काम पूरे होते, मंदिरों से अगर बीमारियां ठीक होती, तो पुजारी एम्स में इलाज क्यों कराते? पुजारियों के बच्चे शुरू से लेकर ऊपर तक की डाइट अच्छी क्यों रखते? वो हाइजेनिक से क्यों बचते? वो वायरस बैक्टीरिया से क्यों बच के रहते? इस देश के अंदर एक प्रयोग चल रहा है मूर्ख बनाने का। ये मूर्खों की एक बड़ी जमात खड़ी कर रहे हैं, और उन मूर्खों को बनाने के लिए उनके मुखिया बना दिए इन्होंने प्रवचन करने वाले। वो कथावाचक जा जा करके मूर्ख बनाते हैं। दूसरी चीज, इसी समाज की बहन बेटियों को वो झांकते हैं, उनके अंगों को झांकते हैं, उनके चेहरे को ताकते हैं। वो दिन भर ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे हिस्सा हिला करके देवी आती है, कैसे भूत आता, ओम फट भूत भाग गया, ओम फट। अरे भाई, दुश्मन भगा देना, चाइना तुम्हारे देश के ऊपर घुसा चला जा रहा, ओम फट वहां करो ना। दुश्मन जब तुम पर अटैक करता है तब ओम फट वहां करो ना, तुम्हारा ओम फट कहां मर जाता है, तब तुम्हारे ओम फट की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। इन मानसिक रोगियों पर, इन मानसिक गुलामों पर, इन मानसिक कमजोरों पर तुम्हारे सारे मंत्र काम करते हैं। मंदिर में जाकर के हमारे दुख कट जाएंगे, हमारी मिन्नतें पूरी हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी, तो इसलिए वो मंदिर में जाते हैं, क्योंकि सदियों से वो दबे रहे हैं, पीछे रहे हैं, दमित रहे हैं, उनका शोषण हुआ है, तो उन्हें लगता है कि हमारा जो उद्धार है, हमारा जो मान सम्मान है, वो मंदिर में जाकर के मिलेगा। और उनका तो अपमान होता है ना, देखिए। वो अपमान जब तक होता रहेगा तब तक वो अपने रियल महापुरुषों, मतलब रियल फादर को नहीं पहचानेंगे। देखिए, जब हम अपने पिता को पिता नहीं कहते, पड़ोसी के पिता को पिता कहते हैं, तो उसकी मर्जी जब चाहेंगे जब मारेगा उसको, और उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पिता से कहीं ना कहीं बच करके, छुप करके दूसरों के पास जा रहा है। मंदिर में जब आज तक सम्मान नहीं मिला, अगर मंदिर में सम्मान मिला होता तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संसद की तरफ क्यों इशारा करते? डॉक्टर अम्बेडकर संसद के लिए इतनी मेहनत क्यों करते? और शिक्षा के लिए वो लंदन तक क्यों जाते? तो सारा जो दिमाग में भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जा रहा है कि भैया मंदिर से हमारा उद्धार होगा, हमारे दुख कटेंगे, हमें सम्मान मिलेगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हमने सोचा है। लेकिन एक दलित समाज की अभिनेत्री हैं, पढ़ी लिखी हैं, अर्चना गौतम, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो तिरुपति के मंदिर में गई हैं, उनसे वहाँ ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, उन्हें धक्का मारा जा रहा, वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कह रहा मेरा अपमान किया जा रहा। वो तो पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है आपने एकेडमिक एजुकेशन ली है, लेकिन सोशल और धार्मिक एजुकेशन अभी भी आपकी जीरो है। अगर सोशल और धार्मिक एजुकेशन अगर आपकी सही हो गई तो वो मंदिर नहीं जाएगा। मैं नहीं जाती कभी मंदिर। मैं मंदिर जाने की बजाय मैं 20 लोगों में जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान का प्रचार प्रसार करना पसंद करूंगी। मैं मंदिर में जाकर के 10,000 रुपये की रसीद कटाऊंगी। मैं 10,000 रुपये गाड़ी में पेट्रोल डाल करके 10 गाँव में अलग अलग जाकर के सावित्रीबाई फूले और उनके महापुरुषों के बारे में जानकारी दूंगी। तो ये सही रास्ता। तो आपको नहीं लगता वो जो वीडियो वायरल हो रही है उसको देखते हुए प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जो तिरुपति मंदिर के जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, उन पर कैसे कर सकते हैं कार्रवाई? देखिए, दलितों को शोषित करने का हक है उनका। अगर हम शोषण करवाने के लिए जा रहे हैं तो ये कमी हमारी है। हम तो कह रहे हैं कि आप जब मंदिर जा रहे हैं और आपको एक बार अपमानित करके भगा दिया, तो आप वहां से संदेश दीजिए ना कि यहाँ से, यहाँ तो अभी भी दलित माना जा रहा। जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे जूते पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं, बालों में भी चमक है हमारे, हम आप जैसा कैश भी जमा कर रहे हैं, जो दूसरे लोग 10,000 रुपये की पर्ची कटा रहे हैं उन्होंने भी कटाई, उसके बावजूद भी नहीं एंट्री करने दी और धक्का और मारा। तो ये जब उनको दिख रहा है कि भाई ये लोग हमारे फ्री के केवल क्या है, कस्टमर हैं, ये पैसे देंगे और बदले में अगर हम इन्हें अपमानित भी करेंगे तब भी आएंगे, तो अर्चना गौतम को संदेश देना चाहिए था। हालांकि अभी उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है, मुझे लगता है एक्टर बन जाना या किसी फील्ड में आगे निकल जाना इसका मतलब ये नहीं कि वो सामाजिक शिक्षा भी उन्होंने ले ली है, उनको वहां से संदेश देना चाहिए। चुनाव भी लड़नी है। चुनाव की तो बात भैया आप छोड़ ही दो, पार्टियां जो चुनाव लड़वाती हैं वो ऐसे ही लोगों को लड़वाती हैं। नहीं, जाना पहचाना चेहरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, उनका भी अपमान किया गया, बताइए मंदिर में। तो जब अब ये तो समाज को सोच लेना चाहिए ना कि जाना पहचाना चेहरा और पैसे वाला चेहरा, तो ये खुद समझ लेती। जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया तो तुम उनसे ज्यादा जाना माना चेहरा नहीं हो ना, तुम उनसे तो ज्यादा पैसे वाली नहीं हो ना, उनसे ज्यादा तो बड़े पद पर नहीं हो, तो तुम्हें कैसे मंदिर में घुसने देंगे? जब इन्हीं मंदिरों में महामहिम राष्ट्रपति जी जाते हैं अपने पद पर होते हुए, तो उन्हें मंदिर से निकाल दिया जाता है। कहते हैं कि आप संवैधानिक दायरे में होकर, संवैधानिक के हिसाब से आप भले ही राष्ट्रपति हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आप अछूत हैं, शूद्र हैं, नीच हैं, और आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो सीढ़ी पर बैठकर उन्हें पूजा करनी पड़ी। लोग दलित मंदिरों में जाते हैं, उनका अपमान होता है, वो मार खाते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? मैं तो उन लोगों से एक ही बात कहूंगी कि मंदिर जाकर के अपना समय बर्बाद करने की बजाय महापुरुषों को पढ़ लो, मंदिर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी मुझे, जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब भी गए थे मंदिर में, बाबा साहब ने मंदिर गए थे, बाबा साहब का मतलब ये नहीं था कि वहां जाकर हाथ जोड़कर उनसे कुछ मान्यता मांगने गए थे, वो समानता का राइट टू इक्वालिटी कि भाई जिस स्थान पर आप जा सकते हो उस स्थान पर ये भी जा सकता है, जिस स्थान पर सवर्ण जा सकता है उस स्थान पर अवर्ण भी जा सकता है, जहाँ आप उनको अछूत कह रहे हैं, छूने से भी घबरा रहे हैं, वो लोग भी मंदिर जा सकते हैं, और अगर वास्तव में उसमें भगवान होते या वहाँ से मान्यता पूरी होती या वहाँ से हमारी इच्छाएं कंप्लीट होती तो मुझे नहीं लगता कि आज तक ये दलित शोषित आज तक गुलाम ही बने रहते। अगर मंदिरों से ही हो तो मैं तो मंदिर पे अगर 1 लाख का भी चढ़ावा चढ़ेगा ना, मैं ऐसे मंदिर में जाकर के चढ़ावा चढ़ाने को तैयार हूँ कि इस देश के अंदर शूद्रों को, वंचितों को, शोषितों को और महिलाओं को और ऐसे मिशनरी लोगों को जो देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं वो संसद की सारी कुर्सियों पर बैठे हों। तो अगर मेरी 1 लाख में भी ये मिन्नत पूरी हो तो मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कितने भी पैसे और आगे को बढ़ाने पड़े मैं वो भी देने को तैयार हूँ। कोई ऐसा अगर मंदिर है तो मुझे बताइए, मैं उसी मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ा दूँ। क्या मंदिर में बस पैसे की वैल्यू रह गई है, जैसे वो बार बार वीडियो में कह रही है कि 10,000 मांग रहे हैं, ये मैंने तो टिकट भी ले लिया। फिर भी देखिए वो मंदिर नहीं है, वो दुकान है पुजारी की, आप उसको मंदिर क्यों बोलते हैं? ये सब पुजारियों की दुकान है। यस, ये दुकानें हैं। नाई नाई का पैसा, नाई अपनी दुकान पे बाल काटता है वो नाई की दुकान है, मोची चप्पल सिलता है वो मोची की दुकान है, सुनार सोना बेचता है वो सुनार की दुकान है, और एक ये दुकान ऐसी है जहाँ से कुछ मतलब आपको मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन देकर जाओ पहले, जाने की पहले उन्होंने रसीद कटाई है। वो कह रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, मैं तो कह रही हूँ ऐसी महिला ये समाज पर कलंक है, जाकर के डूब के मर जा। अगर तेरे को मंदिर ही जाकर के सब कुछ मिलना होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में हिंदू कोड बिल की क्यों जिद करते, क्यों मंत्री पद से इस्तीफा देते? अगर उन्हें भी पता होता कि मंदिर से ही सब कुछ मिल जाएगा तो महिलाओं के हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब इतने आहत नहीं होते और ये नहीं कहते कि भारत के अंदर संविधान से भी महत्वपूर्ण मैं हिंदू कोड बिल को लागू होना मानता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हें लड़ाई देकर अधिकार दिए, उन अधिकारों से तुम मंदिर में भाग रही हो, जिन मंदिरों का विरोध करने के लिए वो पूरा जीवन भर लगे रहे। तो ये इन लोगों की गुलामी है, मानसिक गुलामी। मंदिरों से काम पूरे नहीं होते हैं, अगर कामनाएं पूरी नहीं होती, अगर मंदिरों से काम पूरे होते भैया तो पुजारी अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजता पढ़ने के लिए? मंदिरों से अगर काम पूरे होते, मंदिरों से अगर बीमारियां ठीक होती तो पुजारी एम्स में इलाज क्यों कराते? पुजारियों के बच्चे शुरू से लेकर ऊपर तक की डाइट अच्छी क्यों रखते? वो हाइजेनिक से क्यों बचते? वो वायरस बैक्टीरिया से क्यों बच के रहते? दुनिया के सारे डॉक्टर रिसर्च क्यों करते? क्यों सारे साइंटिस्ट लगे रहते? देश में तमाम बड़े स्तर पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, कथावाचक भी देश में बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं लगातार। इस देश के अंदर एक प्रयोग चल रहा है मूर्ख बनाने का, ये मूर्खों की एक बड़ी जमात खड़ी कर रहे हैं और उन मूर्खों को बनाने के लिए उनके मुखिया बना दिए इन्होंने प्रवचन करने वाले, वो कथावाचक जा जा करके मूर्ख बनाते हैं। दूसरी चीज, इसी समाज की बहन बेटियों को वो झांकते हैं, उनके अंगों को झांकते हैं, उनके चेहरे को ताकते हैं। तो ये वो घटिया काम करने के लिए छोड़ दिए गए हैं, ये वो लोग हैं जो देश को मतलब दीमक, जानते हैं आप दीमक, दीमक अंदर अंदर खाली खोखला करती है, देश को बर्बाद कर रहा है। कई कथावाचक कह रहे हैं कि सुधार हो रहा समाज में हमारी वजह से, उनकी वजह से क्या सुधार हो रहा है? उनकी वजह से दुनिया भर के बलात्कारों के केस बढ़ रहे हैं, वो दिन भर नशे की प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों से, वो दिन भर ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे हिस्सा हिला करके देवी आती है, कैसे भूत आता, ओम फट भूत भाग गया, ओम फट, अरे भाई दुश्मन भगा देना, चाइना तुम्हारे देश के ऊपर घुसा चला जा रहा, ओम फट वहां करो ना, दुश्मन जब तुम पर अटैक करता है तब ओम फट वहां करो ना, तुम्हारा ओम फट कहां मर जाता है, तब तुम्हारे ओम फट की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। इन मानसिक रोगियों पर, इन मानसिक गुलामों पर, इन मानसिक कमजोरों पर तुम्हारे सारे मंत्र काम करते हैं? अगर तुम्हारे मंत्र में ताकत है तो निर्देश पर काम करके दिखाए, अगर तुम्हारे मंत्र में ताकत हो तो निर्देश जैसे और 1000 लोग हैं इस देश में उन पर काम करके दिखाए। जो तमाम मंदिर है इनमें दान बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल दान बंद हो जाना चाहिए, हमारी श्रद्धा को कोई जरूरत है दान, बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं, भगवान ने कभी नहीं कहा पैसा दो, भगवान अगर आपकी आस्था है तो फूल चढ़ा दो, हाथ जोड़ लो, एक घंटा बैठ के जप कर लो, लेकिन भैया पैसा रोक के रखो। और वैसे भी ये पैसा एक गरीब भिखारी, कमजोर, कोड़ी, जो भी बीमार हैं, और जो अभी आप देखेंगे कि नाली साफ करने वाले को आप पैसा दोगे तो तुरंत नाली के हाथों से रखेगा, जेब में डाल देगा, और वही पैसा फिर आपके हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ, और वही पैसा फिर मंदिर में जाता है। ये पैसे से ज्यादा गंदा, और पैसे का कोई धर्म जाति नहीं है, कोई धर्म जाति नहीं है, और वही पैसा जब मंदिर में जाता है तो पुजारी उसको पवित्र समझ कर रख लेता है। तो पैसा सारी जातियों के हाथ में से होके आता है, सारी जातियां उसको छूती हैं, जातियां गिनती तो थूक भी लगाती हैं, तो ये तो बहुत ही गंदा हो गया पैसा, ये तो पुजारियों को छूना ही नहीं चाहिए। ये पैसा बैन कर दो भैया, भगवान नाराज हो जाएंगे, पुजारियों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पैसा देना बंद कर दो आप, बाकी फूल पत्ती जो भी आप चढ़ा के आओ, घास वो चढ़ा दो जिससे भगवान खुश हो जाएं। पैसे से पुजारी खुश होता है, अब आपको तय करना है कि पुजारी खुश करना है या भगवान खुश करना। भगवान नाराज होंगे, भगवान नहीं चाहते तुम्हारी कमाई का पैसा लेना। अगर भगवान को खुश करना है तो आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं, अपने घर में बैठ कर।